अस्सलाम वालेकुम। आज लाई मैं आप लोग के लिए कीमा मेथी की बहुत ही आसान रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो एक बार आप लोग भी इसे मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा ले लिया है। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहे तो चिकन में भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद मेथी को अच्छी तरह से धो के इसकी पत्तियाँ अलग कर लेना है, काटना नहीं है, बस पत्तियों को अलग करना है। अब एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में 2 चम्मच भर के तेल डालना है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करना है, जैसे कि 1 तेज़पत्ता है, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 2 हरी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है कुछ सेकेंड्स के लिए। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लंबाई में पतला पतला कट करके डाल देना है, जैसे हम ब्रिस्ता में डालते हैं उसी तरह से डालना है। प्याज का कलर चेंज होने तक प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। प्याज का कलर जब चेंज हो जाए तो इसमें जो कीमा हमने धो के रखा था इसे डाल देना है। कीमे को डालने के बाद कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कीमे में से भी पानी रिलीज होता है, बस इस पानी को हमें ड्राई करना है। तो कीमे में से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है, बस गैस का फ्लेम फास्ट करना है और इस कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो कीमे का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। आप चाहें तो कुकर में भी डाल के कीमे को गला सकते हैं, मगर कुकर में डालने से कीमा कुछ ज़्यादा गल जाता है, इसलिए मैं कढ़ाई में ही इसे बनाती हूँ। आप चाहें तो कुकर में बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे कीमे का पानी अच्छी तरह से सूख गया है, अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, बस इसमें डाल देना है 1 गिलास भर के पानी। नमक डाल देना है टेस्ट के हिसाब से, मिक्स कर देना है इसे। इसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है और 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कीमे को पका लेना है, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। वैसे भी कीमा गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो 20 मिनट हो गए थे, कीमा अच्छी तरह से गल गया है। इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देना है। तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 2 चम्मच भर के। कुछ बेसिक से मसाले हैं इसे डाल देना है, जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच ही हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को कीमे में डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है और 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पे मसालों को पकने के लिए रख देना है, ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 से 7 मिनट हो गया है, मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, बस कीमे को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। कीमे को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मेथी की पत्तियां डाल देना है, जो हमने धो के अलग करके रखी थी। एक मीडियम साइज का टमाटर डाल देना है कट करके। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची को बीच में से कट करके डाल देना है।
फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है और ढक के स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पका लेना है। कीमे को बार बार ढक के पकाने से कीमा अच्छी तरह से गल जाता है और मसाले भी काफ़ी अच्छी तरह से पकते हैं। 5 से 7 मिनट हो गया है तो कीमा बनके तैयार है, बस इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो बहुत ही आसान कीमा मेथी की रेसिपी बनके तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।